हूँ थोड़े से पिस्ता और बादाम रख के इसको मज़ीद इसकी खूबसूरती को इन्हेंस कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम आप लोग अपने चैनल के नाज़रीन दोबारा खुश आमदीद कहते हैं और एक और मज़ेदार सी आज एक स्वीट डिश जो हम लोग मीठे की आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं तो बहुत ही मज़ेदार है। ये ब्रेड के साथ हम जौन सा है स्वीट तैयार करेंगे। ये जौन सा है आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी लेकिन झटपट 2 मिनटों में बनने वाली स्वीट डिश होगी जो आप लोग किसी भी मेहमान के यहाँ पर झट से बना सकते हैं। तो बिना टाइम से आगे चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, अपनी स्वीट डिश की तरफ, अपनी स्वीट जो से डेजर्ट की तरफ। कि ये डेजर्ट जो हम लोगों ने तैयार करना है इसके लिए बस सिंपली हमें 3-4 चीज़ें दरकार होंगी, इससे ज़्यादा हमें नहीं दरकार। और ये हर घर में मौजूद होती हैं और मेहमानों के आए पर आपको बिल्कुल बाजार से कुछ मीठा मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल ऑफ सडन कोई आ जाता है तो आप इन चीज़ों से इस मीठे को बनाएं और सबको अपना गर्विदा कर लें। तो यहाँ पर मैंने जो से ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, ये मोमेंट जो दूध से हम लोग मलाई उतार लेते हैं वो मलाई है और ये दूध है, ठीक है। और ये एक खूबसूरत सा प्यारा सा पैन है तो इस दूध को हम लोगों ने तकरीबन ये एक पाव दूध है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इस पैन के अंदर इसको डाल रही हूँ, ठीक है। और बाकी थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया है वो मैं आपको बताऊँगी अगर मैंने किस चीज़ के लिए कुछ यूज़ करना है। तो हम लोग इसको चूल्हे पे पकने के लिए रख रहे हैं। ये तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि दूध को मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब हम लोगों ने इसको इतना पकाया जब तक इसको जो है वो उबाला नहीं आता। तो उबाल आने के बाद मैं आपको बताऊंगी इंग्रेडिएंट्स, मैंने आपको बता दिए कि मैं कौन सा मीठा ऐसा बनाने जा रही हूँ जो झटपट बन जाएगा और बहुत ही मज़ेदार होगा। ये तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि दूध को जौन सा उबाल आ चुका है और ये बलाई भी आ गई है और ये जौन सा है हाफ रह गया है, हाफ रिड्यूस हो चुका है। और जितना ही अच्छा पका हुआ गाढ़ा सा दूध होगा उतना ही मज़ेदार सा जौन सा है हमारा मीठा वो तैयार होगा। अच्छा, अब ये दूध को हमने पकाने के बाद सेकेंड स्टेज क्या है, सेकेंड स्टेज ये है कि हम लोगों ने इसमें चीनी शामिल करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इसके अंदर जौन सा है वो 2 चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ। जी तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि चीनी हल होगी। इसी स्टेज पे मैंने ये जौन से हैं क्रश किए हुए बादाम और पिस्ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी इस दूध के अंदर शामिल कर दिए हैं और इसको भी हम लोग अच्छे से जौन से है वो पका लेते हैं। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे जौन सा मैंने 2 से 3 चम्मच गर्म दूध के लिए हैं और इसके अंदर जौन सा है मैंने तकरीबन 2 से 3 पिंचेस कस्टर्ड पाउडर शामिल कर लेने हैं इनफ। इसको अच्छे से जौन सा है वो वार्म मिल्क में मैंने इसको मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वही व्यूअर्स जौन सा मैंने भी आपको दूध और कस्टर्ड पाउडर दिखाया था उसके अंदर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लोगों ने इसको डाल के फौरन से जौन सा वो हिलाना है ताकि इसके अंदर जौन से है वो लम्स ना बने। ये देखिए हमारा जो कस्टर्ड मिल्क हो गया है तैयार। तो अब अपनी जो से स्वीट डिज़र्ट हम तैयार कर रहे हैं स्वीट उसके दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं। ये तो व्यूअर्स ये वही बलाई जो सी मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाई थी, इसके अंदर ये जो मैंने पीसी हुई चीनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेते हैं। तो ये हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके अंदर जौन सा है हम लोगों ने बलाई ली है, ये होममेड मतलब जो घर में सबके मौजूद होती है वही हम लोगों ने यूज़ की है। इसके अंदर जौन सी मैंने शुगर ऐड कर ली है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी ये जौन सी वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करें मीठे की, आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये आप लोगों का प्यार और हमारी हौसला अफजाई है। तो दूसरे स्लाइस को हम लोगों ने इसके ऊपर इस तरह से रख के इसकी हम लोगों ने कटिंग कर लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाइक दिस एंड दिस वे आल्सो। जी तो व्यूअर्स हम लोगों ने अब यहाँ पर ये एक बर्तन ले लिया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाफ जो सा दूध है मैंने इसके अंदर शामिल करना है। बस इतना ही हम लोगों ने जौन सा है वो मिल्क इसको हम लोग स्प्रेड कर लेते हैं जिसके अंदर हमने इनको मतलब प्रेजेंट करना है। और इस तरह से जौन से ये स्लाइसेस हैं मैं ये रख रही हूँ।
ठीक है व्यूवर्स, तो अब बाकी जो सा रिमेनिंग मिल्क है वो मैं ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब स्लाइसेस के ऊपर हम लोगों ने जो इसको डाल देना है ताकि वो जो इसको एब्जॉर्ब कर लें। और अभी लास्ट पे मैं इसके ऊपर जो हैं वो थोड़े से पिस्ता और बादाम रख के इसको मज़ीद इसकी खूबसूरती को इन्हेंस कर रही हूँ, इसको डेकोरेट कर रही हूँ। तो आई होप व्यूवर्स कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी है जो हमने स्वीट आप लोगों के साथ डिश शेयर की है आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें और हमारे चैनल के नाज़रीन को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक और हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ये आप लोगों का प्यार है और हमारी हौसला अफजाई है। तो व्यूवर्स आई होप कि आपको जो सी आज की स्वीट डिश की जो सी रेसिपी है स्वीट डेजर्ट जो ब्रेड बलाई डेजर्ट हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की है आपको पसंद आएगी। तो आप लोगों ने इसको जो ठंडा होने का वेट करें क्योंकि जो मिल्क जो है वो ज़रा भी वार्म है, हम लोगों ने बॉयल किया था उसको, तो उसको ठंडा करने के बाद जब आप उसको प्रेजेंट करेंगे तो ये जो ब्रेड सारे का सारा जो है इसने मिल्क उसको एब्जॉर्ब कर लेना है, तो जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का बनेगा। तो व्यूवर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हम इस मज़ेदार सी स्वीट डिश की जो सी रेसिपी है इससे हमें इजाज़त दें, इसको बनाएं और इन्जॉय करें। तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को में दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।